हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम एक नया जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर रहते हुए हम टेक्निकल टॉक्स करेंगे। ठीक है, तो आज का मैं बहुत ही जो है इन न्यूज़ टॉपिक लेके आया हूँ हमारे पास। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पर अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज जो हम चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक मशहूर जो है ना आजकल ट्रम फैली हुई है, बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और ये बेसिकली है क्या चीज़। तो इससे पहले एक छोटा सा मेरे पास कोड था, जो मैंने कोड यहाँ पर डाला है, वो कोड ये कह रहा है कि एवरीथिंग डेट कैन बी ऑटोमेटिक विल बी ऑटोमेटिक रोबोट कैनन। ये एक जो है ना इंटरनेट के लॉ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिक हो सकती है वो ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो कैसे होगी सोचने की बात है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। और ये जो कोट है ये बेसिकली टोटली डिपेंड कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर। ठीक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंटरनेट ऑफ थिंग के साथ। तो IoT बेसिकली क्या है, हमारे पास दो टर्म्स हैं इसके अंदर, रहते हुए हम दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक चीज़ तो हमें मिलती है इंटरनेट, और एक चीज़ मिलती है हमें थिंग्स। अब इंटरनेट हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास जो होता है ना, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच यूज्ड फॉर एक्सचेंज डेटा एंड कम्युनिकेशन। इंटरनेट के ऊपर हम क्या, इंटरनेट बेसिकली क्या होता है कि भाई नेटवर्क होता है नेटवर्क्स का। ठीक है ना, नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि वन एंड मोर देन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज आपस, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, तो वो क्या कराएंगे, नेटवर्क करवाएंगे। और उस उन्हीं नेटवर्क्स के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। इन शॉर्ट इंटरनेट के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा क्या करते हैं, हमारा डेटा एक्सचेंज होता है, हम अपने डेटा को बेचते हैं, दूसरे शख्स का डेटा लेते हैं, ये सारा हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब अगली चीज़ हमारे पास जो आ गई वो आ गई थिंग्स। अब देखो जी, थिंग्स में हमारे पास सब चीज़ें आ सकती हैं। एक छोटी सी चीज़ मैंने कन्फ्यूजन कम करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, चलो, ऑल थिंग्स विच कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स, फ्रिज, एसी, बिल्डिंग्स, इवन ह्यूमन टू। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो सकती है वो हम थिंग्स कंसीडर करेंगे इस IoT में। ठीक है ना, तो अब क्लियर हो रहा है कुछ, इंटरनेट क्या है, थिंग्स क्या है। ठीक है ना, अब जैसे कि मेरा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये भी IoT है। ठीक है ना, मेरा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी IoT है। मेरा फ्रिज भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी IoT है। AC, बिल्डिंग, सब कुछ। तो एक ये तो मेरी डेफिनेशन थी जो कि मैंने जो है ना खस की है। एक डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है विकीपीडिया पे। अब विकीपीडिया साहब हमें ये कहते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। IoT क्या है, फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क है, व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर। ऐसी डिवाइसेस जो, ऐसी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर के साथ जो है ना एम्बेडेड हैं, जैसे कि आपके पास सेंसर्स हैं। ठीक है, दूसरी कनेक्टिविटी है जो इनेबल करती है आपके कनेक्ट को और आपके डेटा को क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है IoT की जो है वो इसके ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर। अब हजरात बात करते हैं कि बेसिकली इंटरनेट थिंग क्या है। मैंने आपको थोड़ी दिन पहले ये कोटेशन पढ़ाई थी ना कि एवरीथिंग डेट कैन बी ऑटोमेटेड विल बी ऑटोमेटेड, तो IoT इसी के ऊपर काम करती है। अब हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंटरनेट के साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब तक तो हमारे लैपटॉप कनेक्टेड हैं, हमारे सेलफोन कनेक्टेड हैं, एक टाइम ऐसा भी, मतलब कि अभी भी एडवांस कंट्रीज़ में क्या है कि भाई आपके फ्रिज कनेक्टेड हैं इंटरनेट के ऊपर, आप कहीं भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर जाके अपने फ्रिज को आप चेक कर सकते हो, उसमें गैस कितना है या फिर उसको, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सारी चीज़ों को हम IoT के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि IoT बेसिकली क्या है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशंस थी, अब हम रियल लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि मैं एक घर में रहता हूँ। ठीक है ना, वो घर में जो मेरे अप्लायंसेस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस जो हैं वो IoT के साथ कनेक्टेड हैं। अब IoT क्या करते हैं, अगर मैं अपने घर से चला जाता हूँ तेज़ी से और मैं अपना घर का दरवाज़ा बंद नहीं करता, तो कुछ टाइम में, क्योंकि IoT से कनेक्ट होने की वजह से मेरे IoT के थ्रू एक मैसेज जनरेट होगा जो कि इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करके मेरे सेलफोन पर पहुँचेगा और मुझे बता देगा कि भाई आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, काइंडली अपने घर के दरवाजे को बंद कर दें। तो ये छोटी सी चीज़ थी IoT को लेकर। जो भी हमारे पास डिवाइसेज होंगी ना, इवन गाड़ियाँ, इवन घर, इवन हमारे जो है ना क्या कहते हैं फ्रिज,
सब चीज़ें जो है ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और वो क्या कहलाएंगी, IoT कहलाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, इसमें थिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हर वो चीज़ जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके वो थिंग्स कहलाती है। ठीक है, हर चीज़ की एक यूनिक आईडी होगी। अब सपोज़ करते हैं कि मैं अपने घर को मैंने छोड़ दिया, मेरे घर में एसी लगे हुए, अब मैंने जो है ना एसी को बंद करना भूल गया, वो एसी जो है ना वो IoT सपोर्टेड है। अब IoT क्या करता है कि भाई मुझे फ़ौरन उसके बारे में एक मैसेज जनरेट करता है कि भाई आपके घर में जो है ना आप एसी खुला छोड़ आए हो। ठीक है, उसको कैसे पता पड़ेगा कि आपके घर में कोई नहीं है, वहाँ सेंसर्स लगे होते हैं, वो आपके पूरे घर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती, तो वहाँ पे बेसिकली ये बताया जाता है कि जो है ना यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही, तो ये जो एसी फालतू चल रहा है। तो अब यूनिक आईडी के ऊपर बात करते हैं। यूनिक आईडी हमारे पास क्या हो सकती है कि जैसे कि घर में 3 AC लगे हुए हैं, 2 AC लगे हुए हैं, हर एक एक यूनिक आईडी होगा। ठीक है ना, तो उसको पहचानने के लिए उसका कोई ना कोई एक यूनिक आईडी होगा जो उसको दूसरे से मुख्तलिफ बनाएगा। पहली चीज़ तो हमारे पास थिंग्स आ गई, दूसरी चीज़ आपके पास यूनिक आईडी आ गई, और तीसरी चीज़ आपके पास क्या आती है, कम्युनिकेशन आती है। कम्युनिकेशन किसके ऊपर हो सकती है, इंटरनेट के ऊपर हो सकती है, नेटवर्क के ऊपर हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले चीज़ तो मुझे थिंग रिक्वायर होगी, फिर उसका यूनिक आईडी रिक्वायर होगा, फिर उसको कम्युनिकेट भी करवाना है। ठीक है ना, इंटरनेट के ऊपर फिर एक और चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है, सेंसर। ठीक है ना, सेंसर क्या करेगा, सेंसर उस सारी चीज़ को सेंस करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी का, जैसे कि गाड़ी के जो है ना लेफ्ट व्हील में जो है ना वो हवा कम है, सेंसर ने उसको सेंस किया, फिर जो है ना इंटरनेट के ऊपर उसको कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करने के लिए उसको एक आईडी की ज़रूरत पड़ी, और थिंग जो है वो टायर है। अच्छा, एक और चीज़ आपके पास आती है, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या करेगा, अब मेरे पास एक मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि भाई जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप चूल्हा छोड़ा जो है ना खुला छोड़ के आ गए, गैस लीकेज हो रही है, आपने इसको बंद करना है। आप जैसे इस टैप पे क्लिक करते हो आपका चूल्हा बंद हो जाता है या आपका फ्रिज बंद हो जाता है। तो आप किस चीज़ के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, आप एक मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो या एक लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, तो ये आपका ऑपरेटर आएगा कहलाएगा। ठीक है, इसके थ्रू आप ऑपरेट करते हो। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ जो है ना IoT क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ दो कारें जा रही हैं, दोनों कारों में एक्सीडेंट हो गया, अब दोनों कारों में से किसी एक कार में जो है ना वो IoT सपोर्टेड है। अब IoT सपोर्टेड क्या करता है कि भाई जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें IoT लगा होता है, वो बेसिकली क्या करता है, एक मैसेज जनरेट कर, दो मैसेजेस जनरेट करता है। एक मैसेज तो जाता है पुलिस की तरफ, ठीक है, एक मैसेज जाता है आपकी एम्बुलेंस की तरफ। ठीक है ना, एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस जो है आपकी कार में जो है ना GPRS लगा होता है, पुलिस भी GPRS के थ्रू आपकी जो है ना कार को जो है ना वो क्या करती है, ट्रैक करती है, ट्रैक करके मौके पे पहुंचती है। ठीक है ना, और एम्बुलेंस भी जो है ना उसको ट्रैक करके मौके पे पहुंचती है। तो ये IoT के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास जैसे ही सपोज़ करते हैं कि आप रोड पर आपको गाड़ी लेके निकले हो, आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करने के बाद जो है ना अचानक आपका हल्का सा माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कोई सा भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केस में जो है ना जो मैसेजेस जनरेट होंगे, आपकी गाड़ी खुद ब खुद इस पर मैसेज जनरेट करेगी, वो खुद सेंसर से सेंस करके जिसको मैसेज जनरेट करके पुलिस को भी भेज देगी, और जो है वो क्या कहते हैं एम्बुलेंस को भी भेज देगी ताकि जो है ना फर्स्ट एड दी जाए। उसके अलावा जो है ये पूरे एक नेटवर्क से होता हुआ उस रूट पे आने वाली और गाड़ियों को भी मिल जाएगा कि और गाड़ियां वो रूट इस्तेमाल ना करें क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और IoT की एडवांटेजेस मैंने जिस तरह से आपको AC की एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना IoT जो है वो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि हमारे जो है ना हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, अब हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा होता है तो आपके सिम्टम्स, बॉडी के सिम्टम्स चेंज होने लग जाते हैं, तो आपके पास एक जो है ना हेल्थ केयर बैंड वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते होते हैं, लाइक आपका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सारी कैसी जा रही हैं। ठीक है, अगर आपके बॉडी में वो सिम्टम्स मौजूद होने लगे या चेंज होने लगे आपके नॉर्मल बॉडी के जो है ना सिम्टम्स, तो IoT का वो बैंड क्या करेगा, बेसिकली वो एक मैसेज जनरेट कर देगा, दो मैसेज बल्कि जनरेट कर देगा, एक तो आपके डॉक्टर को जनरेट कर देगा और उसके अलावा जो है ना वो आपको भी एक मैसेज जनरेट कर देगा कि भाई आपकी बॉडी में जो है ना ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ट्रबल हो सकता है, आप काइंडली किसी नियर क्लिनिक में चले जाएँ, आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएँ। ठीक है, तो ये IoT के सारे एडवांटेज हैं। IoT के बहुत से जो है ना एडवांटेजेस हैं, लातादाद हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है IoT के ऊपर, और अभी तक IoT के ऊपर कोई इतना खास काम नहीं किया, लेकिन ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आने वाले वक्त में आप देखो कि हर चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और जो है वो बहुत फैसिलिटेड लाइफ होगी हमारी। तो अभी तक IoT भी इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका, IoT एक तरह का कॉन्सेप्ट, एक तरह का आइडिया है जिसके ऊपर काम होना बाकी है,
तो फ्रेंड्स ये था एक छोटी सी वीडियो अबाउट IoT। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो काइंडली अपना कन्फ्यूजन मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के ऊपर जो है ना मुझे लिखें ताकि मैं उसको रिसॉल्व कर सकूं। और अगर आप कोई भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली वो भी जो है वो कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।